इन हुआ, यानी कि बैटरी वोल्टेज हमारा क्या हुआ, सबसे पहले जब बैटरी से वर्क करता है तो डिस्चार्जिंग के ड्रेन पे इन होगा, और डिस्चार्जिंग के ड्रेन यानी कि जब डिस्चार्जिंग के ड्रेन पे इन होता है तो सोर्स से आउट होकर क्या करेगा, सीधा जाके हमारा कॉमन पॉइंट पे आ जाएगा, और कॉमन पॉइंट से क्या होगा, कंप्लीट हमारा 19 वोल्ट यानी कंप्लीट मदरबोर्ड पे क्या होगा, यहां से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वर्क करता है यानी कि अब चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है, अब उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे हम, यानी कि इसमें डिस्चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे आपको, यानी कि इसके अब डिस्चार्जिंग सेक्शन यानी कि बैटरी का सेक्शन आया तो हम बैटरी के कनेक्टर के बारे में कंप्लीटली नॉलेज दे देते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा टेम्परेचर लाइन, ये हो गया डाटा क्लॉक और डाटा, और ये हो गया क्लॉक लाइन, यानी कि जब टेम्परेचर लाइन यानी कि टेम्परेचर लाइन पे क्या आपका रजिस्टर है, देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू किस पे आ रखा है, आईओ पे कनेक्ट हो रखा है, यानी कि आईओ को इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि बैटरी जब हमारा कनेक्ट हो गया यानी कि जब हमारे सिस्टम पे बैटरी कनेक्ट होता है तो टेम्परेचर के थ्रू आईओ को पता चल जाता है, और आईओ क्या करता है कि हमारे सिस्टम पे शो करता है, और इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा क्लॉक यानी कि कितने टाइम पे हमारा चार्ज होना है, कितना टाइम रिमेनिंग है, कितने टाइम के बाद फुल होगा, और चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारा किसके थ्रू मिलेगा, क्लॉक और डाटा, यानी कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अपने क्लास में आपको बताएंगे। तो देखिए डिस्चार्जिंग सेक्शन हो गया, अब डिस्चार्जिंग सेक्शन होने के बाद चार्जिंग सेक्शन यानी कि चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है हमारे लैपटॉप में, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शन और सारा कंप्लीट कैसे वर्क करता है ये पता चलता है। तो देखिए यानी कि कॉमन पॉइंट पे क्या आ गया हमारा 19 वोल्ट इन हो गया, जब भी हम एडाप्टर को इन करते हैं, यानी कि जब हमने वोल्टिन सेक्शन के बारे में पढ़ा था तो वोल्टिन सेक्शन में आपको पता चल गया एडाप्टर से इन होने के बाद कहां पे आता है कॉमन पॉइंट, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट है, और इस कॉमन पॉइंट पे इस कॉमन पॉइंट के थ्रू यहाँ पे क्या आ गया हमारा 19 वोल्ट इन हो गया है। जब हमारा एडाप्टर से इन होता तो यहाँ पे क्या किस वोल्ट पे वर्क करता है 19 वोल्ट पे, जब हमारा बैटरी से वर्क करता है, बैटरी से वर्क करता है यानी कि डिस्चार्जिंग के थ्रू हमारा बैटरी पे आके कॉमन पॉइंट पे आ गया, इस कंडीशन पे क्या है हमारा एडाप्टर इन नहीं है तो बी प्लस, यानी कि बी प्लस इसलिए बोला गया है कि आपको पता है बैटरी वोल्टेज अकॉर्डिंग टू लैपटॉप अकॉर्डिंग टू बैटरी यानी कि 8 to 16 वोल्ट अकॉर्डिंग टू बैटरी यानी कि कितना भी हो सकता है, यानी कि 8 टू 16 वोल्ट हमारा अकॉर्डिंग टू बैटरी यानी कि बी प्लस 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक हमारा कॉमन पॉइंट पे आएगा अकॉर्डिंग टू बैटरी के। और उसके बाद देखिए अब ये वर्क कैसे करता है हमारा चार्जिंग यानी कि बैटरी को कैसे चार्ज करता है, तो देखिए अब फर्स्ट नंबर पे तो इस कंडीशन पे आया, तो अब देखिए यहां से कैसे वर्क करेगा, यानी कि हमारा कॉइल है इनपुट कॉइल जिसे बोलते हैं हम इनपुट कॉइल, अब कॉमन पॉइंट से एक लाइन आ रखा है देखिए एक पॉइंट यानी कि एक सर्किट बना हुआ कि इनपुट कॉइल के थ्रू किस पे आ गया आईसी पे, यानी कि आईसी को ऑन हो गया, आईसी को ऑन कर दिया, जैसे आईसी को इन करता है तो सेम टाइम पे यहाँ पे देखिए मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे इन होगा, और मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे इन होते ही नंबर टू पे क्या होगा सपोर्टिंग के ड्रेन पे भी आ जाएगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे आते ही नंबर थर्ड पे क्या होगा चार्जिंग आईसी क्या करेगा गेट इनेबल कर देगा किसका मॉस्फेट का, जैसे ही मॉस्फेट का गेट इनेबल करता है तो चार्जिंग आईसी यानी कि चार्जिंग आईसी क्या करेगा यहां आउटपुट कॉइल ये क्या है आउटपुट कॉइल पे आएगा और अकॉर्डिंग टू बैटरी यानी कि ये बैटरी से, अब जैसे कि हमारा बैटरी कितने वोल्ट का था 8 to 16 वोल्ट, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा बैटरी से यानी कि बैटरी से 1.5 to 2 वोल्ट हाई होना चाहिए तभी हमारा बैटरी चार्ज होगा, तो उस कंडीशन पे बैटरी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा 1.5 to 2 वोल्ट हाई वोल्टेज आउट होगा, जैसे कि मानो आपका 12 वोल्ट है तो इस पे कितना वोल्टेज आउट होना चाहिए 12 है तो 14 वोल्ट आउट होगा, 14 वोल्ट आउट होने के बाद यानी कि बैटरी का पीआर है क्या है बैटरी का पीआर है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका डायोड मिलेगा और डायोड के बाद देखिए इस कंडीशन पे आके ये क्या करेगा बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा इसको बैटरी को, यानी कि इस टाइप से ये हमारा सिस्टम वर्क करता है। और देखिए इन्फॉर्मेशन यानी कि ये आईओ और ये आईओ सेम है, और ये आईओ किससे कनेक्टेड है चार्जिंग आईसी से, देखिए ये डायरेक्ट आके ये चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगा और चार्जिंग को बताता है कि किस कंडीशन पे हमारा बैटरी फुल हुआ,
किस कंडीशन पे हमारा बैटरी ड्रेन हो रहा है, किस कंडीशन पे हमारा बैटरी वीक हो गया, तो ये कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन कौन देगा, हमारा डाटा और क्लॉक। और देखिए टेम्परेचर का जो लाइन है, यानी कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है कि अडेप्टर से तो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है बट यानी कि बैटरी से हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, यानी कि बैटरी से हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन पे हमें क्या चेक करना है, डिस्चार्जिंग सेक्शन चेक करना है। तो उस कंडीशन पे क्या क्या चेक करना है ये कंप्लीटली हम आपको अपने क्लास में बताएंगे। तो आज का क्लास इतना ही बताता हूँ, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको शॉर्टकट में दिया है, और इस कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, प्रकाश सेल्युलर सर्विस, यानी कि ये बैंगलोर इंदिरा नगर पे है, तो आप आके यहाँ पे कंप्लीटली नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू।